हम पढ़ रहे हैं गणित आओ करे और सीखे, जो कि कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए गणित की वर्कबुक है, जिसमें गणित का सारा बेसिक दे रखा है। और आज हम इसमें पढ़ेंगे पेज नंबर 129, पेज नंबर 129, ठीक है। पेज नंबर 129 बच्चों, दिनांक आप खुद लिख लोगे। और यह जो है आओ करे और सीखे का अभ्यास 113 है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे जो उपअवधारणा दे रखी है, यह है पूर्ण संख्याओं का गुणा एवं भाग। तो पूर्ण संख्याओं का गुणा एवं भाग कैसा होता है यहाँ हमें बताया गया है। तो अब सबसे पहले यहाँ दे रखा है, यहाँ पे 6 कथन दे रखे हैं पहले। तो पहला है, एक दर्जन केले का मूल्य ₹48 है। एक दर्जन केले, एक दर्जन मतलब होते हैं 12, दर्जन मतलब 12 होते हैं, तो 12 केलों का मूल्य है 48। फिर है दूसरा कथन है, एक पेन का मूल्य ₹10 है। तो एक पेन का मूल्य ₹10 है। एक दर्जन पेंसिल का मूल्य ₹60 है। तो दर्जन मतलब होते हैं 12 बच्चों, तो एक दर्जन मतलब 12 जो है पेंसिल का मूल्य है ₹60। एक कॉपी का मूल्य है ₹25। एक रेडियो का मूल्य ₹1650 है, या इसको 1650 भी पढ़ सकते हम। उसके बाद जो छठा कथन है, एक किलोग्राम मिठाई का मूल्य ₹360 है। तो इस प्रकार ये 6 कथन दे रखे हैं हमें यहाँ पर। और उसके बाद नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं, जो कि हम इनको इन कथनों के आधार पर इनको हल करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि उपरोक्त वाक्यों के आधार पर निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ जो वाक्य हमने पढ़ लिए हैं, यहाँ पे उपअवधारणा है पूर्ण संख्याओं का गुणा एवं भाग। तो यहाँ पे नीचे 6 वाक्य दे रखे हैं, ठीक है, 6 वाक्य दे रखे हैं जिसमें हमें कुछ बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पर दे रखा नीचे, उपरोक्त वाक्यों के आधार पर निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। तो पहले हम वाक्य पढ़ लेते हैं। तो पहला वाक्य है, एक दर्जन केले का मूल्य ₹48 है। दूसरा वाक्य है, एक पेन का मूल्य ₹10 है। फिर तीसरा है, एक दर्जन पेंसिल का मूल्य ₹60 है। तो बच्चों दर्जन मतलब होते हैं 12, ठीक है, दर्जन जो है, दर्जन का अर्थ होता 12, ठीक है, एक दर्जन में 12 कोई से भी चीजें आती है। तो एक दर्जन पेंसिल मतलब 12 पेंसिल का मूल्य 60 है। उसी प्रकार है, एक दर्जन केले मतलब 12 केलों का मूल्य 48 है। फिर चौथा जो वाक्य दे रखा है वो है, एक कॉपी का मूल्य ₹25 है। पांचवा कथन है, एक रेडियो का मूल्य ₹1650 या 1650 है। और छठा वाक्य है, एक किलोग्राम मिठाई का मूल्य ₹360 है। अब यहाँ पे लिखा नीचे, उपरोक्त वाक्यों के आधार पर निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। तो इन वाक्यों के आधार पर हमें इन प्रश्नों को हल करना बच्चों, बहुत आसान है ये। तो पहला जो प्रश्न है, 8 पेन का मूल्य कितना होगा, ठीक है, 8 पेन का मूल्य हमसे यहाँ पूछा है। और हमें पेन के बारे में क्या बताया गया है कि एक पेन का मूल्य 10, ठीक है, एक पेन का मूल्य ₹10 है। तो एक पेन का मूल्य ₹10 है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, एक पेन का मूल्य बराबर ₹10 है, ठीक है, ₹10 है। और हमसे कितने का पूछा है, 8 पेन का। तो वैसे यहाँ चुकी लगा सकते हैं, ठीक है, चुकी चुकी से करते हैं इस तरह के सवाल। और फिर हम इसलिए लिख सकते हैं, तो चुकी ऐसे लगाते हैं बच्चों, दो बिंदु ऊपर आते हैं और एक नीचे, ठीक है। जो कथन दे रखा है, जो वाक्य दे रखा है, तो हम उसका तर्क देते हैं पहले, इसलिए चुकी लगाते हैं, क्योंकि हमें दे रखा है कि एक पेन का मूल्य ₹10 है। तो हमने लिखा कि चुकी एक पेन का मूल्य ₹10 है, और हमसे पूछा कि 8 पेन का मूल्य कितना होगा, इसलिए हम लिखेंगे इसलिए ऐसे लगाते हैं, एक बिंदु ऊपर दो नीचे, इसलिए 8 पेन का मूल्य होगा बराबर। तो देखो बच्चों, एक पेन का मूल्य ₹10 है, ठीक है। तो अब हमें 8 पेन लेना है, तो 8 पेन का मूल्य एक पेन के मूल्य से ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा ही होगा, क्योंकि एक पेन का मूल्य तो इतना है। 8 पेन खरीदेंगे तो हमें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी या ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है गुणा होगा, ठीक है, जब एक वस्तु का मूल्य दे रखा हो और अधिक वस्तुओं का मूल्य निकालना हो तो वहां पर गुणा होता है, ठीक है। तो एक पेन का मूल्य ₹10 था, 8 पेन का निकालना, तो हम कर देंगे 10 × 8, ठीक है, 10 जो है एक पेन का मूल्य है और हमें 8 पेन खरीदने, इसलिए हमने कर दिया 10 × 8 बराबर हो गए 80
रुपए, ठीक है, या फिर आप रुपए ऐसे भी लिख सकते हो, रुपए 80, ठीक है, ये इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा रुपए 80 या 80 रुपए, ठीक है। तो ये हमने इसका उत्तर निकाल लिया, 80 रुपए आएगा। अब अगला जो प्रश्न है, 6 कॉपी का मूल्य कितना होगा? तो 6 कॉपी का मूल्य निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए, देखो यहाँ पे जो चौथा वाक्य दे रखा था वो था 1 कॉपी का मूल्य 25 है, ठीक है, 1 कॉपी का मूल्य 25 है। तो हम यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे बच्चों कि चूंकि 1 कॉपी का मूल्य, 1 कॉपी का मूल्य बराबर 25 रुपए है, ठीक है, 1 कॉपी का मूल्य बराबर रुपए, रुपए लिख दो भले यहाँ, रुपए 25 है, फिर हम क्या लिखेंगे, इसलिए 6 कॉपी का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 25 में हम 6 का गुणा कर देंगे, तो 25 गुणा 6, तो 25 में 6 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 6 का गुणा 25 में, देखो ऐसे कर दो, 25 गुणा 6, हम यहाँ गुणा करके देख लेते हैं, 6 का पहाड़ा 5 बार बोला तो 6 पंजे 30 की 0, असल का 3, और 6 का पहाड़ा 2 बार बोला, 6 दुनी 12, 13 14 15, तो यह आएगा 150, तो यहाँ लिख देंगे रुपए 150, ठीक है, तो यह इसका उत्तर हो गया, 150 रुपए आएगा 6 कॉपी का मूल्य। उसी प्रकार अब जो तीसरा जो प्रश्न है, 4 दर्जन केले का मूल्य कितना होगा? 4 दर्जन केले का, दर्जन मतलब 12 होते हैं बच्चों, मैंने पहले ही बता दिया था, तो 4 दर्जन केले का मूल्य कितना होगा? तो हमें दे कितना रखा है, यहाँ तो सीधा ही दे रखा है, हमको निकालने की जरूरत ही नहीं, 1 दर्जन केले का मूल्य दे रखा है 48 रुपए है, तो 4 दर्जन केले का मूल्य कितना होगा, आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न है कि 4 दर्जन केले का मूल्य कितना होगा, और हमें दे रखा है, हमें दे रखा है कि 1 दर्जन केले का मूल्य है 48 रुपए है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उत्तर जो है इसका हल वाला है, तीसरा है, ठीक है, तीसरे का कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे चूंकि 1 दर्जन, क्योंकि हमें ये वाक्य दे रखा है, 1 दर्जन केले का मूल्य, 1 दर्जन केले का मूल्य बराबर है रुपए 48, ठीक है, 48 रुपए है, इसलिए, और हमें निकालना है 4 दर्जन केले का मूल्य, 4 दर्जन केले का मूल्य बराबर क्या कर देंगे हम, 48 में 4 का गुणा कर देंगे, ठीक है, 48 में 4 का गुणा कर देंगे, तो कर दो यहाँ पर 48 गुणा 4, 4 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 4 8 32 की 2, असल का 3 आएगा, फिर 4 का पहाड़ा 4 बार बोला तो 16 और 3 17 18 19, 192 रुपए, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे 192 रुपए, ठीक है, तो ये इसका उत्तर आ गया, 192 रुपए आ गए हैं 4 दर्जन केले का मूल्य। इसी प्रकार प्रश्न नंबर जो चौथा है, 13 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना होगा, ठीक है, 13 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो हमें क्या दे रखा बच्चों, देखो 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य 60 रुपए है, ठीक है, 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य 60 रुपए दे रखा, और हमें निकालना 13 दर्जन पेंसिल का मूल्य, तो अब इसको हम करेंगे, चौथा वाला है ये, ठीक है, चौथा है चूंकि, इसको भी चूंकि से करेंगे, चूंकि 1 दर्जन पेंसिल का, 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य बराबर 60 रुपए, रुपए 60 है, ठीक है, इसलिए 13 दर्जन पेंसिल का मूल्य होगा बराबर 60 गुणे 13, ठीक है, अब 60 और 13 का गुणा कर दो आप यहाँ पर, तो हम कर देते हैं 60 गुणा 13, ठीक है, 60 गुणा 13, तो 13 का पहाड़ा 0 बार बोला तो 0 आया, फिर 13 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 78 आएंगे, 13 78, ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा रुपए 780, ठीक है, 780 रुपए होगा 13 दर्जन पेंसिल का मूल्य।
अगला जो प्रश्न पांचवा है, चार केले का मूल्य कितना होगा। तो हमें चार केले का मूल्य निकालना बच्चों। तो हमें यहाँ पे जो दे रखा था, यहाँ पे जो हमें वाक्य दे रखा वो है एक दर्जन केले का मूल्य 48 रुपए है। ठीक है, एक दर्जन केले का मूल्य 48 रुपए है और हमें यहाँ पूछा है चार केले का मूल्य कितना होगा। तो इसे हम यहाँ पर कॉपी में करेंगे जिससे कि हमको अच्छे से समझ। बच्चों हम इस प्रश्न को ऐसे करेंगे, चार केले का मूल्य कितना होगा और हमें एक दर्जन केले का मूल्य दे रखा है। तो हम लिखेंगे चूंकि एक दर्जन केले का मूल्य बराबर रुपए 48 है। ठीक है, ये रुपए का चिन्ह है या फिर आप पीछे भी लिख सकते हो। तो 48 रुपए जो एक दर्जन केले का मूल्य है, इसलिए फिर हम इसलिए का चिन्ह बनाएंगे। इसलिए एक केले का मूल्य ठीक है, एक केले का मूल्य बराबर कितना होगा। तो एक दर्जन में कितने होते बच्चों, एक दर्जन में होते 12। ठीक है, एक दर्जन मतलब 12, मतलब यहाँ 12 केले का मूल्य दे रखा कि 12 केले का मूल्य 48 रुपए है। तो एक केले का मूल्य कितना होगा, 48 भागित 12 बराबर 12 में 48 में 12 का भाग लगाएंगे तो 12 एकम 12 और 12 चौक 48 4 आएगा। मतलब 4 क्या है, 4 रुपए है। ठीक है, एक केले का मूल्य कितना आया है, 4 रुपए आया है। इसलिए चार केले का मूल्य होगा बराबर 4 × 4, क्योंकि एक केले का मूल्य हमने निकाल लिया। तो देखो बच्चों फिर से देख लो, एक दर्जन केले का मूल्य हमें दे रखा है पुस्तक में कि 48 रुपए हैं, इसलिए हमने और हमसे पूछा है कि चार केले का मूल्य कितना होगा। तो हम पहले एक केले का मूल्य निकाल लेंगे। तो एक दर्जन मतलब होते 12, 12 केलों का मूल्य दे रखा है 48, इसलिए एक केले का मूल्य होगा बराबर 48 भागित 12। तो 48 में 12 का भाग लगा देंगे तो एक केले का मूल्य आ जाएगा और यह आ गया है 4 रुपए। ठीक है, इसलिए चार केले का मूल्य होगा बराबर 4 × 4 बराबर 16। ठीक है, 16 रुपए। तो चार केलों का मूल्य आया है 16 रुपए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है छठा, 6 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो 6 पेंसिल का मूल्य हमसे पूछा हो और यहाँ वाक्य में दे रखा है एक दर्जन पेंसिल का मूल्य 60 रुपए है। तो एक दर्जन पेंसिल का मूल्य 60 रुपए है और हमें 6 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। तो यह भी उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने इसके ये पांचवा प्रश्न करा था, उसी प्रकार छठा प्रश्न भी होगा। चूंकि एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। एक दर्जन पेंसिल का मूल्य बराबर 60 रुपए है। ठीक है, 60 रुपए है। ठीक है, यह हमें दे रखा है प्रश्न में ही दे रखा है, हमें मतलब वाक्य दे रखा है, हमें ये कथन दे रखा है कि एक दर्जन पेंसिल का मूल्य 60 रुपए है और हमें 6 पेंसिल का मूल्य निकालना है। इसलिए हम पहले एक का निकाल लेंगे, एक पेंसिल का मूल्य होगा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 60/12, क्योंकि एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। तो ये 12 पेंसिल का मूल्य दे रखा 60 रुपए, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य होगा बराबर 60/12। तो 12 का पहाड़ा 12 एकम 12 और 12 का पहाड़ा जब 5 बार देंगे तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा। तो 5 रुपए आया है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य कितना आया है, 5 रुपए आया है। इसलिए 6 पेंसिल का मूल्य होगा बराबर 6 × 5 बराबर ₹30। ठीक है, या 30 रुपए पीछे भी लिख सकते हो और या फिर चिन्ह बना दो रुपए का, 30 रुपए। ठीक है, 6 × 5 बराबर 30, तो 30 रुपए हो गए हैं। तो ये हमारा उत्तर है कि 6 पेंसिल का मूल्य होगा बराबर 30 रुपए। तो बच्चों हमें पता था कि एक दर्जन पेंसिल का मूल्य हमें दे रखा है 60 रुपए है और हमें मालूम है कि एक दर्जन मतलब 12 होते हैं।
तो यहाँ 12 पेंसिल का मूल्य 60 रुपए है, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य होगा बराबर 60/12। तो 5 उत्तर आ गए, मतलब 5 रुपए एक पेंसिल का मूल्य है। इसलिए 6 पेंसिल का मूल्य जब निकालना है तो 6 × 5, क्योंकि एक का पता है और जब अधिक का पता करना हो तो हमें गुणा करना पड़ता है, और अधिक का पता और एक का पता करना हो तो भाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ उत्तर आ गया है 30 रुपए। इसके बाद सातवां जो प्रश्न दे रखा है, एक केले का मूल्य कितना होगा, एक केले का मूल्य कितना होगा। तो हमें तो कथन में दे रखा था, वाक्य दे रखा था कि एक दर्जन केले का मूल्य 48 रुपए है और एक केले का मूल्य हमें निकालना है। तो बच्चों जब हमने प्रश्न नंबर 5वां करा था तो देखो एक दर्जन केले का मूल्य 48 रुपए था और एक केले का मूल्य हमने निकाला था 48/12 = 4 रुपए। तो आप इतना 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 इसमें कर दोगे, यहाँ तक का जो है एक केले का मूल्य हमने यहाँ निकाल लिया था, तो प्रश्न नंबर जो 7वें का उत्तर यहाँ तक होगा और ये उत्तर आएगा 4 रुपए। 4 रुपए होगा एक केले का मूल्य प्रश्न नंबर 7वां, जो इतना इतना आपको करना है, एक केले का मूल्य आप निकाल के लिख दोगे। प्रश्न नंबर जो 8वां है, 4 रेडियो का मूल्य कितना होगा, 4 रेडियो का मूल्य हमसे पूछा है और यहाँ दे रखा है एक रेडियो का मूल्य 1650 रुपए है या 1650 रुपए दे रखे हैं। तो यहाँ पे एक रेडियो की कीमत दे रखी है और 4 की निकालनी है हमें। तो प्रश्न नंबर जो 8वां है, तो चूंकि हम चूंकि लगा के करेंगे, एक रेडियो का मूल्य बराबर 1650 रुपए है, ठीक है, रुपए हैं, इसलिए 4 रेडियो, इसलिए 4 रेडियो का मूल्य होगा बराबर, तो क्या होगा बच्चों, एक की कीमत पता और 4 की निकालनी, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 1650 × 4, तो गुणा कर दो। तो हम यहाँ गुणा कर देते हैं, 1650 में 4 का गुणा, 4 का पहाड़ा 0 बार बोला तो 0, 4 का पहाड़ा 5 बार बोला तो 20 आए, 4 × 5 = 20 की 0 हो गए, हासिल के 2 आए हैं, फिर 4 का पहाड़ा 6 बार बोला तो 24 और 25 26 की 6, हासिल का 2, फिर 4 का पहाड़ा 1 बार बोला, 4 × 1 = 4 और 5 = 6, 6600 रुपए, ठीक है, तो बराबर आएगा 6600 रुपए। तो यह उसका उत्तर होगा बच्चों, 4 रेडियो की कीमत हमने निकाल ली है और 6600 रुपए आई है। प्रश्न नंबर जो 9वां है, 5 किलोग्राम मिठाई का मूल्य कितना होगा। तो 5 किलोग्राम मिठाई का मूल्य निकालना है और यहाँ जो वाक्य दे रखा है, 1 किलोग्राम मिठाई का मूल्य 360 है, तो 1 किलोग्राम मिठाई का मूल्य 360 है, तो 5 किलोग्राम का निकालना बहुत आसान है ये तो, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हल यहीं पे कर लेंगे, यहाँ नीचे जगह है इसलिए। तो चूंकि एक किलोग्राम मिठाई का मूल्य है बराबर ₹360, ठीक है, इसलिए 5 किलोग्राम, ठीक है, इसलिए 5 किलोग्राम मिठाई का मूल्य होगा बराबर, 5 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 360 × 5, ठीक है, 360 में 5 का गुणा कर देंगे, तो हम यहाँ कर देते हैं 360 × 5, 5 का पहाड़ा 0 बार बोला तो 0 आया, 5 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 30 आएंगे, 30 की 0, हासिल का 3 बचेगा, फिर 5 का पहाड़ा 3 बार तो 15 और 16, 17 और 18, तो आ गए हैं 1800 रुपए, 1800 रुपए, ठीक है, रुपए, तो ये इसका उत्तर आ गया 1800 रुपए।